नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली न्यूज ये आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी M20 के स्पेक्स जो है वो लीक हो चुके हैं। हमारे पास ऑफिशियल लीक्स हैं, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसके डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस क्या है, हार्डवेयर कैसा होने वाला है और उसमें क्या क्या कहाँ पे प्लेस्ड है, सब कुछ तरीके से लीक हो चुका है। तो अगर आप वैसी टेक न्यूज देख रहे हैं जहाँ पे अभी तक वो लोग सिर्फ ये अनाउंस कर रहे हैं कि M20 आ चुका है भारत में, तो वो तो हम कल के ही न्यूज में कर चुके हैं। आज की न्यूज में आप लीक्स देख लीजिए कि उसमें क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों, आज की नई तगड़ी वाली न्यूज ये है कि Vivo Apex का सेकेंड जनरेशन जो है वो जनवरी 24 को आने वाला है। चाइना में मोस्ट प्रोबेबली इसका इवेंट वगैरह जो भी है होगा, और इसकी डिटेल्स जो है वो बाहर आ चुकी हैं, तो आपकी स्क्रीन्स पे हैं। यह फोन जो है ये मोस्ट प्रोबेबली वही फोन होगा जिसके बारे में हम पहले भी लीक कर चुके कि Vivo का वाटर ड्रॉप कॉन्सेप्ट वाला फोन जो कि मीडिया को पहले ही CES पे दिखाया जा चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही फोन होने वाला है। और एक्साइटमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज की अगली न्यूज ये है कि Honor 10 Lite जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक Honor 10 Lite की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे लाइव जा चुकी है, लिंक भी होगा उसका नीचे ही कमेंट सेक्शन में, उसको देखना ना भूलें। आज की अगली न्यूज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 के एक बिल्ड का लीक हुआ है, जिससे ये पता चल रहा है कि विंडोज के अंदर फोल्डेबल डिवाइसेस का सपोर्ट आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो लीक हमने पहले करी थी कि माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डेबल डिवाइसेस के पेटेंट्स हैं वो जल्दी आने वाले हैं, यानी कि सरफेस बुक जो कि फोल्डेबल वाला होगा वो जल्दी आने वाला है। और अगली न्यूज यही है कि सरफेस बुक के प्रोटोटाइप्स वगैरह जो है वो बाहर, मतलब उसके लीक्स आ चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही आने वाले एक साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस बुक लॉन्च होगा जो कि फोल्डेबल डिजाइन वाला होगा और वर्चुअल कीबोर्ड वाला होगा। और ये एक बहुत ही मतलब चमत्कारी वाली न्यूज है, क्योंकि ऐसा डिवाइस अब तक नहीं बना है, खासकर लैपटॉप्स वगैरह में, और उसके अंदर विंडोज को भी अलग ही तरीके से यूज किया जाएगा कि उसमें जेस्चर्स वगैरह पे या फिर टच इनपुट वगैरह पे ज्यादा ध्यान होगा। आज की अगली न्यूज ये है कि इंटेल का कोर i9-9990XE यानी 9990XE जो एक्सट्रीम एडिशन प्रोसेसर है वो बाहर आने वाला है। अगर आपको याद होगा तो 9980XE का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, पर 9990XE अलग इसलिए होगा क्योंकि इसमें 18 कोर तो नहीं है पर 14 कोर 28 थ्रेड है, और इसमें जो कोर की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फाड़ू होने वाली है। 4 GHz बेस क्लॉक और 5 GHz सारे कोर्स पे टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी। बताओ, जस्ट सोच के देखिए कि आपके पास 14 कोर है जो कि 5 GHz पे रन कर रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस होगी ये। और मुझे इसमें एक चीज जो मतलब काफी जबरदस्ती लग रही है और अजीब सी भी लग रही है कि न्यूज बाहर ये भी उभर के आ रही है कि ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन में मैन्युफैक्चर होगा और ये लोगों को बहुत मतलब मुश्किल से मिलेगा। इसके जो यूनिट्स होंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप बाजार में गए और इसको खरीद पाएंगे, बहुत ही लिमिटेड होने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है और X299 वाला जो मदरबोर्ड आता है, जो प्लेटफॉर्म इंटेल का आता है जिस पे कि ये वाले प्रोसेसर लगते हैं, उस पे आप पैसा खर्च सकते हैं, तो अपना पैसा बचाइए, इसके लिए जोड़िए, ये बहुत ही महंगा होने वाला है। आज की अगली न्यूज ये है कि Vivo Y91 जो स्मार्टफोन है वो भारत में लॉन्च हो चुका है। इस डिवाइस का जो मतलब चिप स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो ज्यादा मतलब उतने खास नहीं है। Helio P22 चिपसेट के साथ ये फोन आता है और 10,000 से 11,000 की रेंज में आता है। अगर हमारे पास यूनिट आता है समय से तो हम इसकी वीडियो डिटेल में आपके लिए बना देंगे। अगली उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है ट्विटर के माध्यम से सीधे हमारे डेस्क के ऊपर कि माइक्रो USB ब्रेडेड केबल Xiaomi ने आज अपनी लॉन्च करी है, जो कि काफ़ी अलग सी होने वाली है। तो ये जो माइक्रो USB ब्रेडेड केबल है ये मतलब सस्ती सी होगी आपकी, 300 रुपये के करीब में, और MI.com पे आप कल से इसको खरीद पाएंगे। अगली जबरदस्त खबर यह है कि NVIDIA ने जो FreeSync सपोर्ट करने वाले मॉनिटर थे, जो कि काफी सस्ते आते हैं G-Sync सर्टिफाइड मॉनिटर के मुकाबले, उनके ऊपर भी अब एक्सपेरिमेंटल एक ड्राइवर अपडेट आने वाला है, जिससे कि उनमें भी आप ये जो फीचर है वो यूज कर पाएंगे। तो जो ड्राइवर अपडेट है वो है 417.71 WHQL ड्राइवर, और अगर जो हार्डवेयर नॉन सर्टिफाइड है NVIDIA द्वारा, जैसे कि कई सारे ऐसे डिस्प्लेस होंगे, उन पे भी एक्सपेरिमेंटल ड्राइवर यूज करके ट्राई किया जा सकता है कि क्या FreeSync सही से काम कर रहा है कि नहीं। NVIDIA वालों ने बोला है कि ब्लरी स्क्रीन्स आ सकती हैं और दिक्कत हो सकती है, पर अगर आपके सिस्टम में सही से चल जाए तो बहुत बढ़िया। आज की अगली बहुत खतरनाक वाली न्यूज ये है कि एप्पल ने अपने प्रॉफिट्स गिरने की वजह से अपनी सप्लाई चेन डिमांड वाले जो लोग हैं, जो कि यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पार्ट्स की, उन्हीं पे ही प्रेशर डालना शुरू करा है कि भैया कंपोनेंट के प्राइस गिराओ। मतलब इन लोगों को अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखने का है, तो प्रोडक्ट सस्ते भी नहीं करना चाहते उतनी तरीके से। मतलब ये चाहते हैं कि अगर 749 का iPhone XR बिक रहा है तो 649 का बेचेंगे जरूर, पर $1 का भी लॉस नहीं चाहिए।
तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इनको कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, पार्ट सप्लाई करते हैं चाइनीज वेंडर से आधे से ज्यादा, तो ये उन लोगों की भी कमर तोड़ देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कितना जितना हो सके उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये बहुत ही लालची कंपनी है और मतलब इनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है बहुत ही ज्यादा, बोलते हैं ग्रीडी कॉर्पोरेशन है एप्पल। सिंपल बात यह है कि लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, इनको बस गरीबों की कमर तोड़ के किसी तरह से मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बनाने का है। तो इस मामले में मैं एप्पल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आज की अगली जबरदस्त न्यूज यह है कि सोनी A6400 लीक हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि A6400 कैसा होगा, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सोनी A6300 पे कर रहा हूँ, और A6400 की खास बात बताई ये जा रही है कि सोनी के A5100 कैमरा की तरह ही इसमें फ्लिप आउट ऐसा वाला स्क्रीन होगा जिससे कि आप आराम से व्लॉगिंग वगैरह कर पाएंगे। इस कैमरा के अंदर 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक का सपोर्ट होगा, 60 फ्रेम्स वाला सपोर्ट नहीं होगा इस कैमरा में। और इस कैमरा का एक और जैसे फॉर्मेट जो होगा APS-C फॉर्मेट होगा। डिजाइन इसका सोनी के A6300 A6000 जैसा ही होने वाला है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य में अच्छा 4K वीडियो शूट करना चाहता है तो मैं कहूँगा कि सोनी A6400 का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये इनकी करंट जो मिररलेस लाइनअप है उसको रिप्लेस करने वाला है। ये लीक हमें बहुत ही जबरदस्त सूत्रों से मिली है और अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये कैमरा ऑफिशियल होने वाला है। आज की अगली न्यूज जो है वो एप्पल से रिलेटेड है कि एप्पल जो है शायद से 7th जनरेशन का आईपॉड टच बनाने वाला है। ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके एप्पल म्यूजिक से उस लेवल का रेवेन्यू नहीं आ रहा जितना वो चाहते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सस्ता सा आईपॉड टच बनाएंगे जो कि बिकेगा, और उसी बहाने लोग एप्पल म्यूजिक के जाल में फंस जाएंगे और इनको लगातार हर साल पैसा देंगे। तो दोस्तों आज की न्यूज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे जो घंटा है उसको बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।